नमस्कार दोस्तों, रियो कैड ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। यह है ऑटोकैड 2D प्रैक्टिस ड्राइंग एक्सरसाइज नंबर 14 इन ऑटोकैड 2021। आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम है, तो फिर चलिए इसके स्टेप्स डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आप लीजिए सर्कल कमांड, रेडियस 27 का सर्कल निकाल लीजिए। नीचे 82 यूनिट्स पे सेम सर्कल आपको निकालना है और उन दोनों के बीच आपको एक डायमीटर 28 का सर्कल निकालना है। वो कंप्लीट होने के बाद हम फिलेट कमांड की मदद से रेडियस 30 का ये आर्क बनाएंगे और वो कंप्लीट होने के बाद हम अगेन फिलेट कमांड का यूज़ करके रेडियस 10 का आर्क बनाएंगे। वो कंप्लीट होने के बाद हम 2-पॉइंट सर्कल से ये रेडियस 10 का सर्कल बनाएंगे। वो कंप्लीट होने के बाद हम ये रेडियस 105.8 का ये आर्क बनाएंगे। लास्ट में हम ये रेडियस 10 का ये सर्कल बनाएंगे। वो कंप्लीट होने के बाद हम ये टेंजेंट लाइन निकालेंगे। तो फिर चलिए स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लीजिए सर्कल कमांड, सर्कल के लिए एंटर कीजिए सी एंटर, उसकी रेडियस है 27 यूनिट्स, रेडियस एंटर कीजिए 27। अगेन सर्कल कमांड लीजिए, अब आपको डायमीटर 28 का सर्कल निकालना है, तो डी एंटर कीजिए और डायमीटर एंटर कीजिए। ओके, अब सेम सर्कल आपको अगेन बनाना है, तो उसके लिए आप कॉपी कमांड का यूज़ कीजिए और उसे 56 यूनिट पे कॉपी कीजिए। अब हमें इस सर्कल को नीचे 82 यूनिट्स पे ले जाना है, तो उसके लिए आप मूव कमांड का यूज़ कीजिए और 82 यूनिट्स पे उसे मूव कीजिए। हमारे दूसरे सर्कल की पोजीशन हमें मिल गई है। अब हमें तीसरा सर्कल बनाना है, इसके लिए आप अगेन कॉपी कमांड का यूज़ कीजिए और उसे 60 यूनिट पे कॉपी कीजिए। ओके, तो हमारे तीनों सर्कल बन चुके हैं। अब फिलेट कमांड का यूज़ करके आप रेडियस 30 का ये आर्क बनाइए। टेंजेंट पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, हमारा फिलेट बन गया है। अब अगेन फिलेट कमांड का यूज़ करके आप रेडियस 10 का ये आर्क बनाइए। ओके, तो फिलेट बन चुका है। अब हमें सर्कल निकालना है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे 2-पॉइंट सर्कल कमांड। सर्कल के ऊपर वाले क्वाड्रेंट पर क्लिक कीजिए और डायमीटर एंटर कीजिए 20 यूनिट्स। मेक श्योर कि आपका ऑर्थो ऑन हो। ओके, अब हमें आर्क निकालना है, उसके लिए आप 10-10 रेडियस सर्कल का यूज़ कीजिए। टेंजेंट पॉइंट सिलेक्ट कीजिए दोनों सर्कल के। अब यहाँ पर रेडियस एंटर कीजिए 105.8। अब आप ट्रिम कमांड लीजिए और एक एक करके सभी अनवांटेड एंटिटीज निकाल लीजिए। ट्रिम कमांड के लिए एंटर कीजिए TR, एंटर कीजिए इन कमांड लाइन में और एक एक करके सभी अनवांटेड एंटिटीज निकाल लीजिए। उसके बाद हमें ड्रॉ करनी है ये टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन के लिए आप लाइन कमांड लीजिए और उसके बाद आपको शिफ्ट प्रेस करके माउस का राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पर टेंजेंट ऑप्शन चूज़ कीजिए और टेंजेंट पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। अगेन वही प्रोसेस फॉलो कीजिए, दूसरी तरफ शिफ्ट प्रेस करके माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए, टेंजेंट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और टेंजेंट पे क्लिक कीजिए, आपकी लाइन बन जाएगी। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे, जो कि है ये सर्कल, रेडियस 10 का सर्कल निकालना है। तो सेंटर पॉइंट पे क्लिक कीजिए और सर्कल निकाल लीजिए, रेडियस 10 एंटर कीजिए। अब इसे मूव कमांड की मदद से 26 यूनिट पे मूव कीजिए और ऊपर की तरफ 40 यूनिट्स पे उसे अगेन मूव कमांड का यूज़ करके मूव कीजिए। ओके, तो हमारे पूरे डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब हर बार की तरह एनोटेट टैब में जाकर आप सेंटर मार्क अप्लाई कीजिए डायग्राम को, एक एक करके सभी सर्कल्स को सिलेक्ट कीजिए, आपके सेंटर मार्क अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें डायग्राम को डायमेंशन देने हैं, तो एनोटेशन टैब में जाइए और रेडियस ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, एक एक करके सभी रेडियस दे दीजिए। उसके बाद ऑप्शन लीजिए लीनियर डायमेंशन, पहला डायमेंशन है 56 यूनिट का, एक एक करके सभी डायमेंशन दे दीजिए। ओके, तो यहाँ पर लीनियर डायमेंशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट स्टेप आती है, जो कि है डायमीटर डायमेंशन। यहाँ पर डायमेंशन है डायमीटर 28 का। ओके, तो यहाँ पर हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे स्टेप समझ आए होंगे। फिर भी किसी स्टेप्स को लेकर आपके मन में डाउट है तो बेशक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ।